अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम बनाएंगे खाद जी। इससे पहले जो वीडियो हमने डाली थी तो उसमें हमने आपको दिखाई थी कि हमने खाद बनाई है, लेकिन आज हम आपको पूरे प्रोसेस से खाद बनाना दिखाएंगे कि हम इन्हें कैसे खाद बनाई थी या हम कैसे बनाते हैं। तो आज सुबह ही हमने ये गड्ढा तैयार कर दिया था। गड्ढा पहले से खुदा था, बस हमने इसका मटेरियल जो मेरा बन चुका था खाद वाला वो निकाल लिया बाहर और इसको नई खाद के लिए हमने तैयार कर दिया था। अब बिन्नी का इंतज़ार है क्योंकि बिन्नी कहीं गया हुआ है और जब वो आएगा शाम को तो अब उससे ही हमको यहाँ पे इसको फिल करवाना है। यहाँ पे हमने कुछ खरबूजे के छिलके ड्राई करने के लिए रख दिए हैं, यानी थोड़ा सा इसका पानी जो इसमें होता है वो सूख जाए तो इसको फिर हम उसी खाद में मिलाएंगे। और भी बहुत सारे छिलके होते हैं जो हम लोग सब्जियों से निकालते हैं, उनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने करेले, प्याज और आलू और खीरे के छिलके यहाँ पे इकट्ठा किए हैं, तो ये सब उसमें जाएंगे गड्ढे में। और कैसे कैसे जाएंगे ये हम आपको दिखाएंगे अभी। और इनको भी हमने थोड़ी देर के लिए हवा में रख दिया है ताकि इनका भी पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ पे हमने अमरूद के कुछ पत्ते इकट्ठा किए हैं, ये हैं तो ग्रीन लेकिन सूखे हुए हैं क्योंकि ये शाखें काट के पापा ने डाल दी थी तो उसको हमें यूज़ करना है, तो हमने वो पत्ते एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं, इन्हें भी हम काम में लाएंगे। और सुबह का टाइम है तो मेरे बगीचे में श्यामा, फाख्ता, गौरैया, बुलबुल इन सब की आवाज़ें इतनी प्यारी लगती हैं और ये सुबह डेली बोलती हैं और बहुत मस्त होके बोलती हैं तो बहुत प्यारा लगता है उनका बोलना। और कुछ चिड़ियाँ यहाँ पे घोंसले भी बनाती हैं और यहाँ पे शरीफे पे शरीफा जब पक जाता है तो खाती भी हैं, फुल एंजॉय करती हैं चिड़ियाँ सुबह के टाइम पे और बहुत ही प्यारा लगता है। एक तो सुबह का टाइम भी बहुत प्यारा लगता है, ऊपर से चिड़ियों का बोलना और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यही सब हमें पसंद है, एकदम नेचर के करीब रहना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मेरी सुबह जो है यहीं से शुरू होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा स्कूल हो या कुछ भी हो। तो बिन्नी आ चुका है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ बिन्नी, पहले एक मुट्ठी ये डालो, आई गीले गीले पत्ते पत्ते कह रहे छिलके, अब सूखे वाले डाल दो, ये परसों के सुखाए हुए हैं ये सब करेले के और उसके प्याज के। अब ये लो, ये वाले उठाओ, थोड़े सूखे पत्ते, हाँ थोड़े डालो, दबा दो दबा दो, ना डालना, अब इस पे हाँ अब इस पे थोड़ी मिट्टी डालो बिन्नी, ये वाली थोड़ा थोड़ा, देखो ईटे ना है इसमें, ईटे वीटे ना हो, थोड़ी थोड़ी डालो, अब पानी, चलो पानी डाल दो, वैसे डलता तो बहुत सारा है पानी, लेकिन बाद में और डाल देंगे। हाँ अब फिर गीले वाले ये डालो, खरबूजे वाले, ये तो वो माल मटेरियल है जो हमने जमा करके रखा था, ये सब डाल दो वाले, सब डाल दो हाँ। अब फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल दो यारी, ये मिट्टी डाल दो, अब इसके बाद ये वाले पत्ते डालो, दबा दो, फिर मट्टी है थोड़ी, मट्टी डाल दो, मट्टी पता है पापन क्यों छुपा के रखती है, ताकि ये बिल्लियां ना खो दें, ये इन्हीं सब कामों के लिए है। चलो डालो, चले चले। हाँ डाल लो, ये भी वही है सब्जियों के पत्ते हमने रखे थे। अब पानी डालो, अब किसी चीज से दबा दो,
हाथ से दबा दो। हाँ क्या खा रहे हो मिट्टू? मिट्टू क्या खा रहा? मिट्टू पेड़ में टंगा है। चलो अब बिन्नी जो ये बची खाद पहले से बनी हुई है थोड़ी सी, अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है ये, इसको इसी में भर दो। हाँ तो भर दो और दबा देना इसमें, तो तिनके हटा देना। इसमें तिनके विनके हैं जो लकड़ी। हाँ लकड़ी हटा देना। हाय मिट्टू बहुत दिमाग खराब कर रहे हो तुम। ठीक ठीक के इतने अच्छे माहौल में हो। प्यारा प्यारा मिट्टू है। देखा तुम कह रहे थे इस गड्ढे में कैसे आएगा है? सब देखो समा गया कि नहीं। अभी इसमें और समाएगा पता है, क्योंकि अब जो भी होते रहेंगे छिलके वो सब हम इसमें डालते रहेंगे डेली डेली। और ऊपर से थोड़ी मट्टी डालते और पानी भरते रहेंगे, पानी भरते रहेंगे। अब इसे ढक दो बस, इससे टीन से बस उल्टा करो। हाँ अब इसे अब देखना ये बनेगी, कम से कम नहीं से 20-25 दिन लगेंगे बनने में। हाँ कहाँ पे लगी? ये क्या निकल आया है देखो, ये क्या होता क्या? ये अपने आप निकल आई है तो ककड़ी वाली। इसमें फल निकल आया, ये बंदर ने देखा नहीं मम्मी? जिस टाइम देख लेगा तो बस उसी टाइम काम लग जाएगा उसका। बस माहम ए डिस्को डिस्को ये तुम कहाँ से लाई? ये बनाने को थी। हम भी इसमें कल आए थे, मेरे में लाइट जलती है तो मेरे में लाइट जलती है, हैं? देखें तुम्हारा दिखा पहले ये मेरे मेरा तो वो है उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको दिखाएंगे रखा है दिखाएंगे। ठीक है लाए खानदान के लिए लाए थे हम और हिदाया के लिए, जब वो लोग आने वाले थे हम भूल गए थे ना उन्हें। कहाँ ले जा रहे हो? अंदर ले जाओ दे देंगे ले जाइए। ले जाइए खा लिए। कहाँ ईद है भैया, ईद निकल चुकी है, ईद निकल चुकी है। आइसक्रीम पार्टी कैसे क्या होगा फिर? आइसक्रीम में व्हाइट टी शर्ट पहनकर जानी और जींस पहन के जानी, उसको की ड्रेस नहीं, नीचे सैंडल। सैंडल तो नीचे होगी, सैंडल ऊपर कैसे पहनी जाएगी? नीचे ही पहनी जाएगी। तुम कह रही नीचे सैंडल? हाँ हाँ नीचे जींस, यही वाली सैंडल? नहीं हाँ यही वाली ये सैंडल। जींस तो फट गई तुम्हारी? नहीं जींस दूसरी पहन के जाऊंगी। फाड़ी है क्या साइकिल? नहीं हाँ डिजाइन है ऊपर। ये फटी हुई आई थी? नहीं डिजाइन है तो ये फट गई है मतलब ये फटी हुई आई फटी हुई आई थी है। तो हार है, सब लोग गले मिलो एक दूसरे के। आओ मिलो आओ आओ हानी तो अमरूद का पेड़ है, अमरूद का बीज लगा दो सामने। यहाँ पे तो बंदर आते हैं तो अभी ये पेड़ खराब हो जाए क्या?
देखो कितने अमरूद लगे हैं, लेकिन बस ये है अभी कच्चे हैं। ये देखो आप पके होते तो हम मिट्टू को नहीं दे देते। तोड़ना नहीं है एक भी, पक जाएंगे तो सभी को खुद ही मिल जाते हैं, देते ही हैं। इतना बड़ा पेड़ हो गया माशाल्लाह। अब बिन्नी कितना पिछली बार छांटा है हम लोगों ने ये पेड़, कितना ज्यादा छांटा था और फिर इतना बड़ा हो गया। देखो कटिंग करी थी इसकी, भर के अमरूद आए हैं बिल्कुल, लेकिन आधे बंदर खा चुके हैं ये, आधे बंदर खा चुके हैं क्योंकि एक दिन शाख पे बैठे हुए थे पूरा खा खा नीचे गिरा रहे थे। इसको मैंने पास ही रखूंगी। किसको? जा जा, शुक्रिया, पड़ा रहने, उठा लेंगे। तुमने इससे तोड़ी अमरूद से? हाँ। तो जाहिर सी बात है कि ये अमरूद ही की डंडी है, ये नीचे गिरी थी, मैंने तोड़ी नहीं है। अच्छा तो भी ठीक है तुम्हारा सवाल, तो ये अमरूद की डंडी है, ये नीचे गिरी हुई थी, मैंने नोची तोड़ी नहीं है, ऐसे करके तोड़ी नहीं है। ठीक ठीक ठीक, लाइए अमरूद की पेड़ उधर लगा दो, आप पानी डालती तो उसमें भी लग जाएगा, फिर ये तो थोड़ी लगेगी, निकलेगी थोड़ी निकलेगी। इसके यहाँ जाओ बिन, वो महम यहाँ पे खड़ी हो, तुम्हारा वीडियो बना दे बहुत अच्छा सा। यहाँ इधर आओ, इधर इस वाले पेड़ में, ये इस वाले पेड़ में आओ। हाँ यहाँ, बस 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 बस, देखें हाँ यहाँ, बहुत अच्छा तुम्हारा पोज आ रहा, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा आ रहा। तुमने मेरे चैनल के लिए कुछ बोला नहीं कि मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लगा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलें एकदम फौरन। बोलो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। जा रही हूँ, बाय बाय। चलो चले ऊपर, मगरिब का टाइम हो रहा। ऐसी हमारी वीडियो आपके पास हर वक्त आती रहेंगी, हर वक्त मेरी आपके पास आती रहेंगी वीडियो है। हाँ। ये देखो गर्मियों में फूल कितने कमजोर खिलते हैं और सर्दियों में कितने फ्रेश बड़े बड़े। मेरी वीडियो दिखाएंगे दिखाएंगे देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे शाम के टाइम। चलो चले ऊपर, चलो हाँ, चलो मिट्टू भी चला गया, चलो हाय 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 हाय। गिरोगी तो पतली कमरिया सब निकल जाएगी, पतली कमरिया तेरी हाय हाय हाय। चलो आ चलो जल्दी चलो, देखो गर्मियों में ये खिल रहे हैं, सर्दियों के फूल तभी तो फ्रेश नहीं है, सर्दियों में आते हैं ओनली, अभी अब की बार गर्मियों में खिले हैं, पता नहीं कैसे क्योंकि चलो चलो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।